अब इतना छोटू मोटू सा गिफ्ट तो दे ही सकते हो इतना सुंदर है जिनके हाईएस्ट लाइक ब्राउनी पॉइंट्स होंगे हाय गाइस दिस इज वर्षा मेघानी वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो जैसा कि मैंने आपसे मिंत्रा टॉप हॉल अंडर टू हंड्रेड रुपीज में कहा था कि मैं इसके बाद में एमेजन टॉप हॉल डालूंगी वो भी अंडर थ्री हंड्रेड सो सोहेयर आई एम एम्स अगर आपने मेरा मिंत्रा वाला टॉप हॉल नहीं देखा है जरूर देखना आपको पता चलेगा कि कितने अफोर्डेबल प्राइस में मैंने वो टॉप्स मंगवाए हैं इस हॉल में भी मैंने अमेजोन से बहुत ही अफोर्डेबल स्टाइलिश ट्रेंडी टॉप्स मंगवाए हैं और एक तो बिल्कुल वाइब्स जैसा वो कोरियन वाइब्स वाला टॉप है तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट भी दूंगी जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिव अवे से रिलेटेड होगी तो उस अपडेट को सुनना बिल्कुल मत भूलना तो अब ज्यादा बात नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट so आइटम है मेरे पास ये सिरिल प्रिंटेड टॉप एंड ये कुछ इस टाइप का टॉप है इसमें लिखा है कि क्रॉप टॉप है बट ये क्रॉप टॉप तो नहीं है सो so इसमें आपको कुछ इस टाइप का टॉप मिल जाता है इसमें आपको जो नेक है वो राउंड मिल जाता है इसमें मेरा साइज है एस अगर बात करू फेब्रिक की तो फेब्रिक है क्रैप तो आपको ये इस टाइप से कुछ चोली पैटर्न में मिल जाता है लाइक ऊपर से ऐसे चोली टाइप से और नीचे आपको ये घेरा मिल जाता है तो आप इसको एज अ इंडो वेस्टर्न ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं इसके नीचे धोती वगैरह वेयर करके जंग चूली डाल के इसको आप एज अ इंडो वेस्टर्न ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं ये है एक स्लीवलेस टॉप इसमें आपको दोनों तरफ से डोरिया मिल जाती है बांधने के लिए तो जो नेक वाली डोरी है वो आपको यहाँ नेक पे पीछे बांधनी है और जो यहाँ वाली है वो आपको आगे पीछे बांधनी है तो ये डोरियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा कि कहीं खुल वगैरह नहीं जाए तो एकदम टाइट करके अच्छे से करना पड़ेगा आपको बाकी बात करू फैब्रिक की तो फैब्रिक समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है काफी, काफी ब्रीदेबल है और क्रैप फैब्रिक वैसे भी काफी लाइक ठंडा फैब्रिक होता है तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है पीछे से आपको स्क्वायर नेक मिल जाता है एंड दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर स्टाइलिश एकदम बबली बबली सा लग रहा था प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है जस्ट टू सेवेंटी नाइन रुपीज एंड टू सेवेंटी नाइन रुपीज में एकदम प्यारा टॉप है ये सो नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये सेल्विया का वुमेन्स क्रॉप टॉप इसका जो फैब्रिक है वो है लाइकरा इसमें आपको कुछ इस टाइप से स्लीव मिल जाती है जो यहाँ आती है यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाएगा और ये पूरा पफी स्लीव मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है नेक की बात करूँ तो नेक में आपको कॉलर मिल जाता है और उसके आगे आपको इस टाइप से डोरी मिल जाती है जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है तो so, आपको इतनी डोरी इसमें मिल जाती है बहुत ही बड़ी डोरी है तो आप बो वगैरह बनाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा तो so, इसमें आपको कुछ यहाँ पे ऐसा कॉलर टाइप का पैटर्न मिल जाता है काफी लाइक छोटा मेरे हिसाब से छोटा पड़ता है लाइक क्रॉप टॉप है नीचे के साइड में आपको ये बेल्ट टाइप से ऐसे डिटेलिंग मिल जाती है एकदम कोरियन लुक देता है ये टॉप एकदम ऐसे क्यूटी सा कोरियन सा लुक देता है और अगर बात करूँ प्राइस की तो प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है जस्ट टू सेवेंटी नाइन रुपीज तो so इसका जो कलर है वो है पिस्ता ग्रीन एंड इसकी जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो है कि ये जो फैब्रिक है वो मोटा है लाइक like अगर विंटर्स के लिए बहुत सही रहने वाला है लेकिन समर्स के लिए बहुत ज्यादा थिक है गर्मी लगने वाली है तो समर्स के लिए थोड़ा सा मुझे ये अप्रोप्रिएट नहीं लगा विंटर्स के लिए एकदम सही रहेगा इसमें मेरा साइज है एस एंड इसमें आपको काफी सारे साइज मिल जाएंगे नेक्स्ट है मेरे पास ये ब्रांड का नोरा निको एंड इसका जो है वो है नाइनटी फाइव परसेंट पॉलिस्टर एंड फाइव ये किसी का ब्लैंड है तो इसमें मेरा साइज है एस इसमें आपको काफी सारे साइजेस मिल जाएंगे एंड तीन कलर भी अवेलेबल हैं तो ये जो प्रोडक्ट है स्ट्रेचेबल है लाइक इसका जो फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल है बट ये बहुत ज्यादा लूज है लाइक पहनने में बहुत ज्यादा लूज आता है अगर आप इसको थोड़ा सा भी ऐसे खेचेंगे नहीं पूरा नीचे आ जाता है प्लस स्लीव भी इसकी मुझे काफी लूज लगी मे बी साइज के कारण हो सकता है बट मेरे लिए काफी ज्यादा लूज है तो उस हिसाब से मुझे ये खास अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको जरूर रिटर्न करूंगी सो इसमें आपको कुछ इस टाइप से पफी स्लीव मिल जाती है यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाता है सो यहाँ तो फिटिंग अच्छी बैठ जाती है बट यहाँ से थोड़ा सा मुझे लूज पड़ रहा है यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा लूज है तो उस कारण मुझे इसको रिटर्न कराना पड़ेगा बाकी पैटर्न के हिसाब से मैं बोलू तो काफी अच्छा है नेक आपको इसमें आगे पीछे दोनों सेम ही मिलेगा स्क्वायर शेप का नेक है और इसका प्राइस मैंने टू नाएं पे किया है और उसके हिसाब से ठीक ठाक लगा मुझे ये एंड नेक्स्ट आइटम है मेरे पास सेल्विया वुमन रेगुलर फिट टॉप एंड ये टॉप देख के आपको कुछ तो याद आया होगा इस टॉप को मैंने मेरी एक वीडियो में पहना था और मैंने लाइव में भी पहना था मुझे इतने सारे लोगों ने लिंक के लिए रिक्वेस्ट करी मैं सबको ये कहती हूँ हॉल के लिए रुक जाओ हॉल के लिए रुक जाओ सबको इतना ज्यादा पसंद आया ना ये टॉप सो ये टॉप आपको कुछ इस टाइप से मिल जाता है आगे आपको स्वीट हार्ट नेक मिल जाता है लाइक ऐसा वी स्टाइल में नेक मिल जाएगा बीच में आपको इलास्टिक मिल जाता है स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स आपको इस टाइप से पफी स्लीव्स मिल जाती है यहाँ पे भी इलास्टिक है और यहाँ पे भी आपको इलास्टिक मिल जाता है इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है लाइक एकदम परफेक्ट फिट था ये और बात करूं अगर फैब्रिक की तो फैब्रिक आपको मिल जाता है सेटन एंड ये शाइनी एकदम सेटन फैब्रिक है इसमें लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि सैटन में कहीं कहीं से दागे निकल रहे होते हैं तो उसका थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको दिखाऊं ये है इसका नेक जो इतना सुंदर है वी शेप में इसका नेक है नीचे आपको एक बो मिल जाती है तो मेरे एक लहंगे में सेम ऐसा ही डिज़ाइन है बहुत सुंदर लगता है और सेम मुझे ये यह यहाँ मिल गया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एकदम सही जगह पे एकदम वी है ज़्यादा डीप भी नहीं है एकदम कंफर्टेबल है और बात करूं अगर इसके फिट की तो एकदम क्रॉप टॉप है ये बहुत बड़ा नहीं है तो इसको आप एज एज अ अ ब्लाउज चोली भी कैरी कर सकते हैं स्कर्ट के साथ में या साड़ी के साथ में बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है जैसे मुझे मुझसे आप लोगों ने सबने पूछा ना कि कहाँ से खरीदा कहाँ से खरीदा वैसे ही सब आपसे पूछने वाले हैं कि कहा से खरीदा तो so इसमें मेरा साइज है एस आपको अपने अकॉर्डिंग साइजेस मिल जाएंगे एंड इसका जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है ये मैंने जस्ट टू सिक्स में परचेज किया है टू सिक्स में आपको इस टाइप का टॉप मिल रहा है जो कितना ज्यादा स्टाइलिश है अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है लाइक आप पार्टीज में यूज कर सकते हैं आप इसको वेडिंग में यूज कर सकते हैं और सेम टाइम पे हर एक लुक के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है प्लस समर के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है बहुत ही ब्रीदेबल और कंफर्टेबल फैब्रिक है ये एंड प्राइस जस्ट टू सिक्सटी नाइन रुपीज पे किया है मैंने इसके लिए तो so, ये सारे टॉप मैंने अमेजन से मंगवाए थे आपको अगर चेकआउट करने इनकी लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप चेकआउट कर सकते हैं और ऐसे ही टू हंड्रेड रुपीज में मैंने मिंत्रा से भी मंगवाए थे उनकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप जरूर चेकआउट करना बहुत ही सुपर स्टाइलिश टॉप से और अब बात आती है थोड़ी सी गिव अवे की बात करने की तो so मैंने फिलहाल ही एक गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस किया था और उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप तो ऐसे कर दिया हमको नहीं बनाया इतने सारे लोगों को मैं नहीं बना सकती विनर जब मैंने तीन के छह कर दिए तो अब आप सोचो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तो जिनको भी अगर ऐसा होता है कि नहीं हमको नहीं जिताते या ये नहीं करते प्लीज मत करना पार्टिसिपेट मेहनत वेस्ट मत करना क्योंकि बाद में मैं नहीं सुन सकती मुझे एक तो वैसे ही होता है कि नहीं लोगों को ऐसा लगेगा कि हमको ऐसे रहेगा वैसे रहेगा उसके चक्कर में तीन से मैंने छह कर दिए विनर्स लेकिन अब से ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा भी कुछ होता है कि हाँ इतने ही विनर्स मैं दे सकती हूँ हर बार मैं भावनाओं में नहीं बह सकती सो so, अब आते मेन मुद्दे पे अचानक से साढ़े बारह बजे मुझे एक प्लान आया कि चलो फिर से गिव अवे करते हैं मैंने उस सेम टाइम पे कम्युनिटी पोस्ट डाला कि आपसे मैं पूछूं कि आप क्या चाहते हैं And मेरे सब्सक्राइबर इतने प्यारे हैं ना उन्होंने बोल दिया कि नहीं दी आप मत करो रहने दो अभी तो आपने किया है और आप अभी बाद में करना सबको बोलो चार हजार सब्सक्राइबर कराएंगे फिर करेंगे हम गिव अवे ताकि आपके चार हजार सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए सो so, जो सजेशन थे जो भी था बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आए ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैमिली मुझे सजेस्ट कर रहा है

3500 subscribers हो जाए, like 19th April को 3500 subscribers मुझे मेरे चैनल पे चाहिए सो so, अब मैं गिफ्ट कैसे डिसाइड करूंगी तो अगर ये चीज जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ उसका फिर कहीं ना कहीं गिफ्ट पे असर पड़ेगा क्योंकि दूंगी तो सही है ऐसे पीछे तो नहीं हट जाऊंगी कि नहीं अब नहीं हुआ कंप्लीट नहीं दूंगी हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो जाए बट कहीं ना कहीं कुछ होगा बट अब इतना छोटू मोटू सा गिफ्ट तो दे ही सकते हो आप मुझे तो मैं भी वीडियोस डालूंगी मैं भी पूरी मेहनत करूंगी थोड़ा सा हेल्प मुझे आपका चाहिए क्योंकि मैंने आज देखा मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जो मेरी हेल्प करना चाहते थे वो सबको शेयर कर रहे थे कि उनको फॉलो करो और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि मुझे आपका चैनल किसी ने सजेस्ट किया और उसके बाद से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ मुझे बहुत पसंद आया एंड तो आई नो आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो उस चीज का मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ तो वैसे भी आप मेरी हेल्प करोगे और इसमें बस ये है कि आप जितना मतलब मुझे जहां भी देखेगा कि लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं तो एज अ ब्राउनी पॉइंट आपको वो चीज ऐड होंगी और उसका एक गिफ्ट आपको मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगी मेरे बर्थडे के दिन सो so उसके लिए आपको मेरी हर वीडियो को लाइक करना है उनको शेयर करना है हर वीडियो में आपका एक कमेंट होना चाहिए तब भी आप जो है क्वालिफाई हो पाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए अब ब्राउनी पॉइंट के लिए आपको क्या करना है आप अपने फ्रेंड्स को फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं प्लीज़ ऐसे मत करना कि फेक आईडीज़ बना के आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो क्योंकि वो दिख जाता है कि आपने कब चैनल क्रिएट किया है तो वो चीज़ें मत करना जेनवन सब्सक्राइबर्स जो मुझे देख पाए जो भी आपको लगता है कि नहीं इनको तो सजेस्ट करना चाहिए उनको आप कर सकते हैं तो उसका आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे जो भी आप एफर्ट डालेंगे आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे एंड ऐसा मत करना कि वीडियो नहीं देख रहे और कमेंट डाल रहे हैं क्योंकि एट दी एंड मुझे वो चीज पता चल जाएगी कि आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो ट्राई करना वीडियो से रिलेटेड कमेंट करो क्योंकि कहीं हो सकता है मैं बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं और डोंट वरी इस बार कॉफी पैन लेके बैठने वाली कोई टेंशन मत लेना मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगी जो आपको आराम से क्लिक कर जाए क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने बोला था कि आप तो बहुत इजी लाइक आपने क्वेश्चन पूछा और कोर्ट्स भी आपके आराम से दिख रहे थे और क्योंकि मेरा कहीं भी इंटेंशन नहीं था कि मुझे किसी को गिफ्ट नहीं देना या मैं छुपा के रख लूँ अपने पास ही ऐसा कुछ भी नहीं था मैंने आराम से आपको कोर्स शो किए थे और क्वेश्चन भी ऐसा इजी पूछा था कि लोग बता पाएं जो विनर्स थे वो स्पीड के बेसिस पे थे और कुछ करेक्शन के बेसिस पे थे तो इस बार आप थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि वैसे भी आप नॉर्मली मेरा चैनल देखोगे कॉन्टेंट अगर आपको मेरा अच्छा लगता है आप देखोगे बस इस बार आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़्यादा करना है और मेरी नज़रों में आना है और अगर आप जैसे किसी को चैनल शेयर करते हो सब्सक्राइब करवाते हो तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना ताकि ये चीज़ मेरे ध्यान में रहे कि हाँ इन्हों ने इस तरीके से एफर्ट्स डाले थे या कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं और इसके बाद में जो भी मेरी वीडियोस आएगी ट्राई करना सबको देखो पुरानी वीडियोस को भी जाके देखते हो वहाँ भी कमेंट करते हो तो उसके भी एक्स्ट्रा ब्राउनिंग पॉइंट्स है जो जो एफर्ट डालोगे उन सबके ब्राउनिंग पॉइंट्स मिलने वाले थिंग एंड कितने प्राइजेस होने वाले हैं कितने सब्सक्राइबर को प्राइजेस मिलेंगे क्या प्राइजेस मिलेंगे वो अपने आगे आने वाली वीडियोज में मैं बताऊंगी या कोई भी अगर रूल में चेंज हुआ कुछ भी अगर से रिलेटेड होगा अपडेट वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी सो मेक श्योर करना आप उन वीडियोस को देखो क्योंकि वो रूल्स वगैरह मैं कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं बताऊंगी तो so ट्राई करना उन वीडियोस को देखो क्योंकि अगर बीच में रह गया फिर मुझे मत कहना कि आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया और प्लीज इसको बस ऐसा गिफ्ट लेना मतलब ऐसे मत दुखी मत होना कि हमको नहीं दिया हमने इतनी मेहनत करी हमारा क्या फायदा हुआ ये सब प्लीज मत करना क्योंकि एट द एंड मैं कुछ ही लोगों को गिफ्ट दे सकती हूँ जिनके हाईएस्ट लाइक ब्राउनी पॉइंट्स होंगे जिन्होंने बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मेहनत की होगी मैं उनको ही दे पाऊंगी ट्राई सब करना ऐसा नहीं है कि पहले हार मान के बैठ जाओ ऐसा नहीं करना चाहिए ट्राई सब कुछ करना चाहिए एंड गिव अस लाती रहूंगी मैंने कहा था ना गिव अवेस्ट में लाती रहूंगी सपोर्ट देते रहोगे गिव अवेस्ट आते रहेंगे। आप आप लोगों को वीडियो आप लोगों को को वीडियो वीडियो पसंद पसंद आई आई हो। अगर तो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए आई इन मई नेक्स्ट सेफ स्टे हेल्दी